गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, मैं सिमरन केबी स्टडी से आप सभी के लेकर आज रीजनिंग और रीजनिंग का जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या होता है कि इसका एक बेस्ट ट्रिक है, पहले आप ये देख लीजिए। ट्रिक ये है कि हमें क्या करना है, बोर्ड मास का रूल फॉलो करना है। बोर्ड मास का रूल में क्या होता है, बी बी फोर क्या होता है, ब्रैकेट। ये क्या होगा ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद करेंगे हम ऑफ का। फर्स्ट नंबर में ब्रैकेट, सेकंड नंबर में ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। का का काम क्या है, इनटू, जैसे कि हम लिख दिए कि एट का या फिर ऑफ 2%। तो अगर का लिखा हुआ है इस तरह से तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाद इसका का काम करेंगे। अगर ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले हम इस का काम करेंगे। ठीक है, ये 8 × 2%, ये क्या है, दोनों का सेम ही आंसर आएगा, दोनों का जो वैल्यू आएगा वो सेम ही आएगा। पर अगर का और इंटू दोनों है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, का काम करेंगे। ठीक है, इसी तरह इसके बाद के बाद क्या करेंगे, हम डिवाइड डिवीजन का काम करेंगे। फिर चौथे नंबर पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। पांचवें में एडिशन और छठे में सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अगर ब्रैकेट नहीं हुआ तो हम सबसे पहले ऑफ का काम करेंगे। अगर ब्रैकेट और ऑफ दोनों नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिवीजन का काम करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर एड, फिर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, हम देख लेते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या होता है ना, कि खाली चिन्ह हमें चेंज करना होता है, सिर्फ हमें देखना है कि एक्सप्रेशन में क्या बोल रहा है। तो यहाँ बोला है कि गुना का अर्थ है डिवाइड, माइनस का अर्थ है गुना, और डिवाइड का अर्थ है प्लस, और प्लस का अर्थ है माइनस। ठीक है, तो हम सिर्फ यहाँ पे साइन को चेंज कर देंगे, जिस साइन को जिस साइन में चेंज करने के लिए बोल रहा है बस उस तरह से चेंज कर देंगे। क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट 3, माइनस, माइनस का अर्थ क्या है इंटू 15, डिवाइड, डिवाइड का अर्थ क्या है प्लस 11, फिर क्या है इनटू, इनटू का अर्थ क्या दिया हुआ डिवाइड 8, अब प्लस का अर्थ दिया हुआ माइनस 6। अब हम इसे सॉल्व कर लेते, तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो क्या होगा ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, 15 × 45 प्लस 11 कितना होता है, 45 प्लस 11 डिवाइड 8 माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा 56, 45 प्लस 11 56 डिवाइडेड 8 माइनस 6। तो 8 को 56 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 8 से 56 माइनस 6 तो कितना हो जाएगा 1। 1 क्या है मेरा आंसर, 1 क्या है, यही मेरा आंसर है। इसे सॉल्व करना है बोर्ड मास के रूल के हिसाब से। ठीक है, और सिर्फ हमें देख लेना है कि कौन सा साइन किस साइन में चेंज करना है और कौन सा साइन किस साइन में चेंज हो रहा है। अब हम देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि गुना का अर्थ है डिवाइड, माइनस का अर्थ है गुना, डिवाइड का अर्थ है प्लस, और प्लस का अर्थ है माइनस। इसमें क्या है ना कि मैंने इस तरह से लिया है, क्वेश्चन में क्या होगा लिखा हुआ होगा, लिखा हुआ करके आएगा इस तरह से। यदि गुना का अर्थ होता है डिवाइड, माइनस का अर्थ होता है गुना, डिवाइड का अर्थ होता है प्लस, प्लस का अर्थ होता है माइनस, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चाहे इसका हल क्या होगा। ठीक है, इस तरह से आएगा, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमारा क्या है, 10 × 5 / 3 − 2 + 3 = what। तो यहाँ पे 10 गुना के क्या बोला है, गुना को चेंज करना है भाग में 5, भाग को चेंज करना है प्लस 3, माइनस को चेंज करना है गुना में, और प्लस को चेंज करना है माइनस में। प्लस को किस में चेंज करना है, माइनस में, इक्वल्स टू व्हाट। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड का काम करेंगे। सबसे पहले डिवाइड का काम होगा तो क्या होगा, 2 प्लस या फिर इनटू का काम होगा तो 3 × 6 − 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 6 = 8 − 3 कितना आएगा, 5। 2 × 6 कितना होगा, प्लस करेंगे 8, और 8 − 3 करेंगे तो क्या आएगा मेरा 5। ये 5 क्या है, मेरा आंसर है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, यदि स्क्वायर इक्वल्स टू 12, ट्राइंगल इक्वल्स टू 15, रेक्टेंगल इक्वल्स टू 6, से सर्कल, सर्कल इक्वल्स टू 3, तो प्रतीक में उत्तर दे। इसी साइन में हमको उत्तर देना है। ठीक है, साइन का जो वैल्यू है ये सब हमें लिख लेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसकी साइन में आ रहा है वो हमें बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या है ट्राइंगल, ट्राइंगल का वैल्यू कितना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ट्राइंगल का मेरा वैल्यू है 15 प्लस सर्कल का वैल्यू है 3 माइनस स्क्वायर का वैल्यू है 12। ठीक है, तो ये कितना आएगा सॉल्व करेंगे तो हम, 15 + 3 = 18, 18 - 12 कितना आएगा 6,
कितना आएगा 15 + 3 = 18, 18 - 12 आता है 6। तो 6 का क्या है साइन, 6 का साइन है ये रेक्टेंगल। मेरा आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। प्रतीक में उत्तर देना था इसलिए प्रतीक में क्या आएगा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल होगा मेरा आंसर, ठीक है। तो आज का वीडियो मेरा यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।